आमतौर पर मथुरा वृंदावन नगर निगम की कार्यप्रणाली को दोष दिया जाता है, इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था को भी कोसा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी गलतियां लोग खुद करते हैं जिनसे वो खुद गंदगी का शिकार हो जाते हैं या फिर अतिक्रमण के शिकार हो जाते हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं मथुरा वृंदावन नगर क्षेत्र की तिलक नगर कॉलोनी, जो कि सिंधी कॉलोनी के नाम से भी जानी जाती है। इस कॉलोनी में जलभराव की समस्या के लिए यहाँ के निवासी खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन दिनों सभी ने अपने अपने घर के आगे लंबी लंबी स्लैब डाल रखी हैं जो कि अतिक्रमण का रूप ले चुके हैं, और स्थायी निवासियों द्वारा पूरी तरह से नालियों को ढक दिया गया है। यहाँ के स्थायी निवासी शैलेश अग्रवाल ने संबंध में कई बार मथुरा वृंदावन नगर निगम को शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन नतीजा शून्य निकला। शिकायत करते करते पूरे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया तो आप जानते हैं कि सरकारी कागज की चाल कछुए से भी कम होती है। ऐसे में कार्रवाई की तो बात छोड़ दीजिए, परिणाम यह होता है कि यहाँ पर जो लोग अतिक्रमण नहीं करते हैं उनके घरों में पानी घुस जाता है और बच्चे बुजुर्ग अक्सर पानी में गिर पड़ते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। क्षेत्रीय पार्षद भी यहाँ पर कभी मुड़कर नहीं देखते और वोट के लालच के चलते कभी अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान नहीं चलवाया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नालियों पे चबूतरे बना लिए हैं, चबूतरे बनाने के बाद भी एक्सटेंशन कर लिया है और नालियाँ पूरी तरह ब्लॉक कर दी हैं। नगर निगम में हम पहले सफाई के लिए बोलते थे तो उनका ये कहना होता था कि नगर इनके ऊपर ये बने हुए हम कैसे करें, अतिक्रमण हो रहा है, उसके लिए हमने फिर अतिक्रमण की एप्लीकेशंस लगाई। लास्ट 2 साल से मैं लगातार एप्लीकेशन दे रहा हूँ, लेकिन बस ये होता है रिपोर्ट में ये लिख जाता है कि यहाँ तोड़ना चाहिए, पुलिस बल चाहिए, जेसीबी चाहिए, लेकिन वर्तमान तिथि तक अभी तक कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई इसमें। जगह जगह पानी भरे रहते हैं, बच्चे निकलते नहीं हैं, हम जैसे बुजुर्गों को भी डर लगता है, एक बंदरों का आतंक, दूसरे पैर उसके पानी का आतंक, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं इस सीजन से। और अभी ये जो थल्ले निकले हुए हैं आपने देख लिया हर जगह से कि जितनी चौड़ी रोड नहीं है उससे ज़्यादा तो उन्होंने एरिया कवर कर रखा है सिर्फ थल्लों से अपना। थल्ले भी ऑब्वियसली बात है स्लोप ही हैं, तो जब बारिश पड़ती है तो बारिश के पानी में हम लोग जब साइड से निकलते हैं तो फिसलने का डर जो बताया उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। और एक तो ऐसा नहीं, एक दो बार मैं इवन जरूरी नहीं कि बूढ़े ही फिसले, जवान नहीं फिसलते हैं, फिसल तो कोई भी सकता है ना। ज़्यादा है यहाँ पर, केवल समस्या ये नहीं है कि पानी रुक जाता है, यहाँ कई सालों से इतनी सिल्ट जमा है, आप देखेंगे जरा सी बारिश में पानी के साथ साथ इतनी सिल्ट बह के आ जाती है, घरों में घुस जाती है। आधे घंटे की बारिश में ऐसे हो जाता है कि घर के अंदर पानी नहीं घुसता है, अंदर से नालियों की सिल्ट भी सारी अंदर घर के अंदर घुस जाती है, सब गंदगी हो जाती है, बैठना भी दूभर हो जाता है। तो ये जो एनक्रोचमेंट जो हो रहा है ये दूर होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए कि नाली पूरी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरी एकदम सफाई करने वाला सफाई करता चला जाए।